कि देश के हम पहला राज्य आज बन गए हैं जहां पर इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। मुझे बताया गया कि दो सेंटर शायद दो हमारे इसके प्रारंभ हुए हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कौशल विकास से हर फील्ड में इसकी जरूरत है, योजनाकारों से लेकर के और जो हमारे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, नहीं उसका मन पढ़ने में, नहीं उसका पढ़ने में रुचि है, क्यों उसको जबरदस्ती पढ़ाएं, लेकिन हम उसका कौशल विकास करके उसमें हुनर विकसित करके और वो अपना रोजगार कर सकता है और कहीं पर अच्छी खासी कमाई कर सकता है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवान हैं। देखिए, माना आपने सबको सरकारी नौकरी दे दी, कितने लोगों को दे सकते हो? 10,000, 20,000, 50,000 को दे सकते हो, तभी तो 10-11 लाख बेरोजगार रहेगा। तो एकमात्र चारा है कि आप उसको नौजवान को स्किल करके उसके हाथों में हुनर पैदा करके, छोटे छोटे काम हैं और उसके लिए बहुत बड़ा कोर्स की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए माना प्लम्बर का काम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल, लेकिन आज जैसे मैं देख रहा हूँ जो पुराने प्लम्बर हैं अब आजकल नई सिस्टम और नई बाथरूम के नई नई उस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो उससे अपडेट करना जरूरी है कि उसके बारे में उसको नॉलेज हो कि कैसे स्विच लगेंगे इलेक्शन को, ये जानकारी हो। तो अगर इस तरह हमने स्किल कर दिया तो मैं सोचता हूँ कि उसको रोजगार मिलेगा। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।